हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और इस वीडियो में बात करने वाले सीयूईटी प्रवेश परीक्षा के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मॉक टेस्ट हम देखने वाले हैं, जो एनटीए के द्वारा मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, वो क्यों बच्चों के लिए ज़रूरी है, सबके लिए मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो यही हम देखने वाले हैं। क्यों मॉक टेस्ट ज़रूरी है छात्रों के लिए? तो मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन हो रहा है, किसी भी आप मोबाइल लैपटॉप से मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें आप जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड प्रवेश परीक्षा हो रही है, तो उससे आपसे प्रैक्टिस होगी कि क्या कैसा करना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंप्यूटर लैपटॉप में प्रॉब्लम होती है, बनता नहीं है, तो परीक्षा के दौरान उनसे कोई गलती ना हो, उसके लिए एक प्रिपरेशन होता है सीबीटी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपसे मॉक टेस्ट भी कराया जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। मॉक टेस्ट ले ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। यह मॉक टेस्ट छात्रों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी की प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध मॉक टेस्ट के साथ कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी का विभिन्न प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जैसे कि प्रवेश परीक्षा जो सीबीटी है वो होने वाली है कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर से आधारित आपको होने वाली, तो उसमें आप समझ सकें कैसे होगी, जो भी इसमें फंक्शन दिए गए हैं वैसे ही उसमें आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। जो लेवल इसमें क्वेश्चन का दिया है वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, कितनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं उसी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रवेश परीक्षा में, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप हमारे साथ मॉक टेस्ट करना चाहते हैं लाइव, तो जुड़ें 9 बजे, हम 9 बजे लाइव आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी छात्र जुड़ें तो हम ज़रूर कराएंगे, और जो भी आप लोग आंसर देंगे लाइव हम कराएंगे, तो आप जो भी कमेंट में आंसर देंगे वही हम ऑप्शन में डालेंगे और देखेंगे सही है गलत, तो आपकी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगेगा कि कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आप सभी बच्चों को 9 बजे आज जुड़ना है लाइव, तो हम ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर देंगे, लिंक डाल देंगे। तो परीक्षा का चयन करें, कैसे आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, परीक्षा का चयन करना होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे CUET UG 2022, तो ये UG 2022 का मॉक टेस्ट होने वाला है, तो हम क्लिक करते हैं। फिर आपको बाद में चयन करना होगा साल का, तो इसमें ऑल करेंगे, महीना में ऑल, पेपर विषय यहाँ पे चुनना होगा, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग मॉक टेस्ट होंगे, और जनरल टेस्ट, हिंदी, लैंग्वेज, सब का, लीगल स्टडी, हिस्ट्री, किसी का भी आप मॉक टेस्ट देख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम भी सभी कुछ जानकारी हम आगे देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं पेपर, तो पेपर अभी कोई भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये केवल आपको दिखा रहा है कि कैसे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, तो बायोलॉजी कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट भाषा, तो यहाँ पे भाषा केवल इंग्लिश ही है, तो हिंदी वालों को कोई जो ऑप्शन नहीं हिंदी का, लेकिन आपको अगर हमसे आप लाइव पढ़ते हैं तो हिंदी में भी आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे, तो इंग्लिश यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। मॉक टेस्ट शुरू करते हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में भी यही सब आने वाला, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो हम ध्यानपूर्वक इनके इंस्ट्रक्शन, हम निर्देश पढ़ेंगे, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं तो सबको आसानी होगी। तो ये देख पा रहे हो NTA मॉक टेस्ट अभ्यास निर्देश, कृपया निर्देश को ध्यान से पढ़ें। सामान्य निर्देश, तो इसमें जीव विज्ञान के पेपर की कुल अवधि 45 मिनट है, तो पेपर की अवधि है 45 मिनट, आपको टाइम मिलेगा मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए, और पेपर में भी 45 मिनट मिलेंगे। स्क्रीन की दाई ओर प्रदर्शित प्रश्न पैलेट, निम्नलिखित प्रतीकों में से किसी एक का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति दिखाएगा, तो जैसे आप देख पा रहे हैं बॉक्स, तो इनके अनुसार आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले व्हाइट बॉक्स दिख रहा है आपको, स्क्वायर, आपने अभी तक इस प्रश्न का दौरा नहीं किया, इसका अगर आपको ये सो रहा हो तो ये आप अभी उस प्रश्न पर नहीं गए, आपने देखा नहीं है, और अगर रेड कलर हो जाए बॉक्स का तो आपका क्या मतलब होगा उसका, तो ये भी हम देख लेते हैं। रेड कलर बॉक्स का मतलब है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, आपने प्रश्न छोड़ दिया, आपने उत्तर नहीं दिया है। और जो आप स्क्वायर देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का,
आपने प्रश्न का उत्तर दिया है, तो अगर आपने उत्तर दिया है तो यहाँ पे रेड बॉक्स बन जाए, आपने प्रश्न का उत्तर दिया। ये सब आपको कलर दिखेंगे उत्तर पुस्तिका में, आपको अभी हम दिखाएंगे आगे। फोर्थ नंबर, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है लेकिन प्रश्न को समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, तो आप चिन्हित कर देंगे, छोड़ देंगे कि हम बाद में इसे दोबारा देखेंगे। अगर आपसे बन नहीं रहा है तो आप चिन्हित कर सकते हैं समीक्षा के लिए, बाद में उसे आप चेक कर सकते हैं, सही आंसर कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर में आप देख पा रहे हो, और फिफ्थ नंबर देख पा रहे होंगे, वायलेट प्लस ग्रीन डॉट उसमें दिख रहा है। प्रश्नों या उत्तर दिया और समीक्षा के लिए चिन्हित, मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। आप तीर पर क्लिक कर सकते हैं, जो प्रश्न पैलेट के बाई ओर दिखाई देता है, जिससे प्रश्न पैलेट को छोटा किया जा सकता है, जिससे प्रश्न विंडो अधिकतम हो जाती है। प्रश्न पैलेट को फिर से देखने के लिए आप पर क्लिक कर सकते हैं, जो प्रश्न विंडो की दाई ओर दिखाई देता है। तो इसमें बहुत सारी ये इंस्ट्रक्शन दिए, तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर और दोबारा वीडियो देख कर। तो हम आगे देखते हैं, कृपया ध्यान दें कि सभी प्रश्न आपकी डिफ़ॉल्ट भाषा में दिखाई देंगे, किसी विशेष प्रश्न के लिए बाद में इस भाषा को बदला जा सकता है। तो हमने निर्देशों को पढ़ लिया, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना, तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रश्न खुल गए हैं, प्रश्न पैलेट खुल गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रश्न, प्रश्न संख्या, तो ये पहला प्रश्न है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हम बायोलॉजी हमने चॉइस किया था, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेल हनी बी आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज फाउंड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस फॉर मेल बी। तो ऐसे क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि CUET की जो प्रवेश परीक्षा बुक है सक्सेस मंत्र, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पार्थेनोजेनेसिस से, पार्थेनोकार्पी से। तो सभी क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं, वो बेस्ट बुक है CUET के लिए, हमने क्वेश्चन मॉक टेस्ट से देखे हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन उस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो वो बेस्ट बुक है प्रवेश परीक्षा के लिए, पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हम कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चॉइस कर लेते हैं, फर्स्ट हम मियोसिस इसमें चॉइस कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आंसर पैलेट में, यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे ऑप्शन दिए होंगे। सहेजें और भी हैं यहाँ पे, अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, NTA मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। तो इसमें देख पा रहे हो क्वेश्चन पैलेट, देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे या कलर भी देख पा रहे होंगे, नॉट विजिट, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो सेव एंड नेक्स्ट, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपने जो आंसर दिया है वो सेव हो जाएगा और अगले क्वेश्चन पर आप चले जाएंगे। और यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स, जो क्लियर आपने रिस्पॉन्स दिया है वो क्लियर कर सकते हैं, और बाजू में आप देख पा रहे हैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो जो आपको अच्छा लगता है आपका आंसर के अनुसार, तो आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाना है तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। तो इसमें कौन सी जो बीमारी है वो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती, जैसे कि आप जानते हैं एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, गोनेरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जेनाइटल हर्पिस भी। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हम लगाएंगे, फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमने क्लिक कर दिया, और हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो
तो ये देख पा रहे होंगे हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो नीचे आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पहले इसमें ग्रीन हो गया है, तो हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब है आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है आंसर, तो ग्रीन आप कलर देख रहे हैं आंसर पे, तो हमने आंसर दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, अभी लाइव 9 बजे आप जुड़े हैं यूट्यूब पे और प्रिपरेशन करें कैसे क्वेश्चन आएंगे, और बहुत से क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट। और बेस्ट बुक मैंने जो बताया CUET के लिए बेस्ट 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 बुक है वो है सक्सेस मंत्र एंट्रेंस एग्जाम बुक, क्योंकि उसमें आंसर आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन दिए गए हैं, कि उसमें थ्योरी नहीं दी गई, जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं यही सब क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली प्रवेश परीक्षा, आप क्लियर कर पाएंगे, एडमिशन लेने में आपकी हेल्प होगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, और थ्योरी आपने क्लास 12th में पढ़ी होती है तो आपको केवल रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं IMP, मोस्ट IMP क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं दिया गया। तो आप 10 से 15 दिन में भी उस बुक को पढ़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको एक बेस्ट टिप्स के अनुसार आपको बनाया गया है कि आप जल्दी से जल्दी आप प्रिपरेशन कर सके CUET की। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। तो अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमसे मिले 9 बजे यूट्यूब पर, और जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वहाँ लिंक सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।